भी आज इस सेशन में मोटिवेशनल और मेरा नाम निखिल शारदा है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करूं तो सन 2004 से मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम में जुड़ा हुआ हूं और मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जो चीज़ें आज के समय में या जो चीज़ें आज के दौर में हमें फैसिलिटेट हो रहा है फॉरएवर के अंदर, वो आज तक हिस्ट्री के अंदर, मतलब फॉरएवर की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और जो मौका आज की डेट में एक नए आदमी को कामयाब होने के लिए है, वो मतलब जो चीज़ पहले एक आदमी अचीव करता था किसी चीज़ को सक्सेस को, लेट्स से इस साल में दो साल में, आज उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी 6 महीने और साल के अंदर हो गई है। द रीज़न बिहाइंड इज दिस के जो आज आपने देखा है कि ये COVID-19 के अंदर ये जो चीज़ें बदली हैं, ठीक है, और आज हमारे इंडिया के जितने भी टॉप जिनको हम बोल सकते हैं लीडर्स, जिनको हम सुनना चाहते थे लेकिन हमारे पास मौका नहीं होता था, और ड्यू टू दिस COVID-19 मैं कहता हूँ हर चीज़ अच्छे और बुरे के लिए जैसे हम बोलते हैं होती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है हमारी मैं कह सकता हूँ लाइफ के अंदर, क्योंकि इसने दूरियों को कम कर दिया है, ठीक है ना। आज से पहले कई बार कई लोग चाहते थे कि अभी आप हमारे RDO में यहाँ पर आकर मीटिंग दें, आप लखनऊ में आकर मीटिंग दें, आप पंजाब में आकर मीटिंग दें, तो आज हर बंदा ऑनलाइन जूम पे जुड़ गया है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अब ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं आपको बता सकता हूँ इस समय हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि UK से इस समय ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग देख रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदी में ट्रेनिंग चाहिए तो वो हिंदी में आज हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस समय कनाडा में बैठे, US में बैठे इन ट्रेनिंग्स को देख रहे हैं। तो आई रियली थैंक्स टू मिस्टर अपना हरीश सर और उनकी इस पूरी टीम को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही सुंदर ढंग से इसको परवाया। तो लेट्स स्टार्ट, आज हम शुरुआत करते हैं कि आज हमने जो सब्जेक्ट पकड़ा है डुप्लीकेशन को लेकर पकड़ा है, बिकॉज सी बिजनेस के अंदर आपका डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है सही ढंग में, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं और जो एक राइट डुप्लीकेशन होती है उसको नहीं कर पाते। इसी वजह से होता क्या है कि रिजल्ट्स भी वेरी करते हैं। आप देखेंगे कई बार हम देखते हैं कि यार वो पर्सन है वो पहले मतलब इस तरह से था और आज उसकी जिंदगी में चेंज आ चुकी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उसने राइट सिस्टम को डुप्लीकेट किया और जो गलत चीजें हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया। आज हम उन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपनी प्रेजेंटेशन से स्टार्टअप करते हैं। जी, तो बिजनेस के अंदर जैसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन का होना वो है कि क्योंकि देखो आज अगर मैं बात करता हूं कि आपने बिजनेस में देखा है जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इनफैक्ट आई कैन से इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, वो सारे के सारे लोगों ने क्या किया, एक बहुत बढ़िया सिस्टम डुप्लीकेट किया अपनी टीम के अंदर, पहले खुद उसका हिस्सा बने फिर अपनी टीम को उसका हिस्सा बनाया। अगर मैं बात करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये मेरे स्कूल टाइम की फोटोग्राफ है, आई वॉज अ क्रिकेटर अर्लियर, मैं क्रिकेटर रहा हूँ और स्कूल देन कॉलेज देन नेशनल लेवल स्टेट लेवल, तो मैंने अपनी रिप्रेजेंट किया है पंजाब से, और शुरू से जुनून था कि कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में, हमेशा रहता था कि कुछ ऐसा करूं जिससे जिंदगी में मेरा नाम बन सके। और आई एम वेरी लकी कि मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आई ईयर 2004 में, ये 2004 की मेरी फोटोग्राफ है जब मैं बिजनेस के अंदर आया, और फॉरएवर की बदौलत अगर मैं आज कहूं कि
हेलो। हेलो, आई होप सो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे। वेल, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, ये एक ऐसा अवेसम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर सब चीज को, मतलब आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल ढंग से, क्योंकि कंपनी ने जो सिस्टम बना रखा है वो बहुत ही बढ़िया और एथिकल वे में है। हमें उसमें अपना कोई सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी सिस्टम को जितना ज्यादा इजी रखेंगे ना, और वो जितना इजीली डुप्लीकेबल होगा, वो उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। अगर आज फॉरएवर कामयाब हुई है, रेक्स आज फॉरएवर को यूएस से लेकर आज 160+ कंट्रीज में है, तो वो उनका एक फुल प्रूफ प्लान है जिसको जिसको पकड़ा और आज $1 बिलियन क्लब के अंदर फॉरएवर काम कर रही है। तो हमने तो बेसिकली क्या है, ये जो टेस्टेड और ट्राइड सिस्टम है इसको डुप्लीकेट करना है। अब बात आती है कि डुप्लीकेशन वर्क कैसे करती है हमारे लिए। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले चीज इसके अंदर आती है कि प्रोडक्ट का यूज होना। देखो, अगर मैं बात करता हूं एलोवेरा, राइट, अगर मैं खुद यूजर नहीं हूं, देखो ये मेरा स्ट्रॉन्गली फर्मली बिलीव है, और कि जब तक आप किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते तब तक वो जो बात है वो आपके अंदर से नहीं आती। आप जो भी बोलते हो सिर्फ सुनी सुनाई बातें बोलते हो, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली फील करते हो, जैसे अगर मैं आप देखेंगे कि एलोवेरा पिछले 15 साल से, मतलब आज 16 साल हो गए मेरे को, तो 16 साल से मेरी लाइफ का हिस्सा है, मेरी फैमिली की लाइफ का हिस्सा है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो हमारे चेहरे से, वो हमारी बॉडी से पता लगता है, देखने से पता लगता है कि यस, ही इज अ यूजर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब जब जो चीज दिखेगी वो चीज डुप्लीकेट भी होगी। अगर आप खुद ही उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते, मैं ये नहीं कहता, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, जो हो सकता है आज पहली बार अभी जिन्होंने बिजनेस को स्टार्टअप किया है, यू कैन स्टार्ट विद ब्राइट टू जेल, यू कैन स्टार्ट विद शैम्पू। और मैं बहुत बार स्ट्रांगली रिकमेंड करता होता हूँ कि आप लोग एमपीडी को यूज करें, बिकॉज एमपीडी हमारे घर के मेरे ख्याल से कम 10 चीजों को रिप्लेस कर देता है, कम से कम 10 चीजों को। और जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपके अंदर वो जो बिलीफ लेवल बनेगा वो वही चीज आगे डुप्लीकेट होगी। ऑलराइट, तो कहते हैं ना, जो दिखता है सो ही बिकता है। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों का पर्सनली प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप यूज करें। और मैं फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं कि आप, जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही आपने 70 की 70 चीजें खरीदनी है और यूज करना शुरू कर देनी है। आई नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन और फिजिबल नहीं होता, लेकिन यस, वन एक चीज पॉसिबल है, वो क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट को यूज करें एक एक करके और उनको अपने घर में उनको चेंज करते जाएं। ठीक है ना, आप रेगुलर पेस्ट यूज करते हो उसको रिप्लेस कर लो, अपनी टूथ जेल यूज करो। घर के 4 लोग हैं, 4 लोग उसको यूज करेंगे। दूसरी बात, आपके घर में अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही आता है जो आपके घर में देखते हैं, तो उसको पता लगता है कि सर क्या यूज कर रहे हैं या मैम क्या यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ब्राइट टू जेल यूज कर रहे हैं तो उनको पता लगेगा यस, ये यूज कर रहे हैं, मेरे को भी यूज करना है। तो वही चीज आगे से आगे डुप्लीकेट होगी। तो ये डुप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोडक्ट को यूज करना। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये चीज बनाकर चलनी है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज जो लैग करती है, बिकॉज मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने बहुत लोगों से बात करा है, जो कि कई बार ऐसी बात भी करते हैं कि जब हम उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई आपने बिजनेस शुरू कर लिया, कहते हैं हाँ जी कर लिया, कितनी देर हो गई, 6 महीने हो गए, साल हो गए। लेकिन कभी भी अगर आप उनकी डायरी उनको पूछोगे ना, कि जिसमें आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया है, जैसे अभी आपको बताया हमारे फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर है, बुक है, उसके अंदर इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि आप कम से कम 100 लोगों का एक लिस्ट बनाए, लेकिन होता क्या है कि मेजोरिटी लोग इस लिस्ट को बनाते ही नहीं। ऑलराइट, और हमने किसी का फॉर्म साइन अप किया, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराया, हम उसको क्या बोलते हैं, भैया लिस्ट बना लेना। वो बोलता है ठीक है जी। अब वो क्या सोचता है कि मेरे फोन में जो लिस्ट है बस मैंने बना लिया, मेरे पास है फेसबुक में, मेरे पास है, लेकिन वो लिस्ट काउंट नहीं होगी। ठीक है ना, अगर आपको बिजनेस, हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कामयाब होना है, तो सबसे पहला स्टेप है कि
कि आपको अपनी एक लिस्ट बिल्डअप करनी पड़ेगी, उसको लिखना पड़ेगा, उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, आप उसको किस चीज के लिए मिलना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स के लिए, बिजनेस के लिए। वैसे तो देखो रेक्स क्या बोलते हैं, हमारा काम क्या है, शेयरिंग का है, सबके साथ हर तरह की प्रेजेंटेशन शेयर करना। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपने वो लिस्ट ही नहीं बनाई, ठीक है ना, अगर आपने उसको लिखा नहीं हुआ, तो वो कभी भी आपका बिल्डअप नहीं हो पाएगा। और अब बहुत बार ये लोगों ये भी पूछते हैं कि भी हम लिस्ट कैसे बनाएं। कई बार क्या होता है, कई लोग बोलते हैं लिस्ट तो है लेकिन अब वो लिस्ट मेरी खत्म हो गई है, अब मैं और कैसे लिस्ट बनाऊं। अब होता क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं वो आपके बिल्कुल क्लोज होती हैं लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। उसको बोलते हैं हमारा ये जो नेक्स्ट स्टेप इसमें दिखाया हुआ है कि मेमोरी जॉगर, ये भी हमारे फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर के अंदर ही है। देखो एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसको हम कभी भी ध्यान से देखते नहीं, ना कभी देखा है ना कभी उसको अच्छे से पढ़ा है। मैं आपको स्ट्रांगली बेट करता हूं, आप में से मैं कहता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उसमें से हार्डली 5% लोग होंगे जिन्होंने इसको फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा और इसके उसको डुप्लीकेट कर रहे होंगे। 95% लोग ये नहीं कर पाते। और अब देखिए इसके अंदर ही एक ऑप्शन दी हुई है मेमोरी जॉगर, मींस फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली मेंबर्स कौन कौन से, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स तो ग्रैंड पेरेंट्स के अपने फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, इसके अलावा पेरेंट्स तो उनके अपने फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, इसी तरह से पेरेंट्स के फ्रेंड्स हो गए, फिर ब्रदर है तो ब्रदर का अपना सर्कल होगा, सिस्टर है तो उसका अपना सर्कल होगा, आंटी है तो उसका अपना सर्कल होगा, आपके इन-लॉज हैं तो उनका अपना सर्कल होगा। ये मतलब मेरा कहने का मकसद है, इसी तरह से आपकी एक वर्कशीट होती है, वर्क प्लेस जहां पर आप करंटली जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपको अलग से क्लाइंट्स मिल जाते हैं। अब ये किसी ने पूछा कि सर कुछ थोड़ा सा और मुझे इसमें बताएं कैसे मैं और ज्यादा बढ़िया कर सकता हूं, तो मैं क्या उसको बोलता हूं, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट पॉइंट है, ज्यादातर लोग नहीं बताते, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि देखो जो नॉलेज जो आपके पास कुछ अच्छा हो आपको बांटना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप बांटते हैं वो उतने ही बढ़ती है। देखिए आज हम लोग फेसबुक के ऊपर, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर हम कोई ना कोई मैसेंजर में अपना वो डालते हैं, अपने कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, बिजनेस को लेकर। कभी आपने देखा है कि उसमें उस लिस्ट आपको कितने लोगों ने थम अप किया है, आपको हार्ट के साथ उसमें मतलब आपको मींस आपको सपोर्ट किया है। आपको ये देखना होता है कि आपको कितने लोगों ने लाइक करा है, कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा है, वो भी आपकी एक लिस्ट है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग हैं। लेट्स से मैं ये ले लेता हूं कि लेट्स से आपके 1000 लोग आपके फेसबुक पे फ्रेंड हैं, ठीक है, लेकिन अब वो जो 1000 लोग आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो सारे तो सारे नहीं देखते, लेकिन उसमें से होगा कि कुछ लोग कंसिस्टेंटली, हो सकता है 100, 200, 300 लोग कंसिस्टेंटली आपकी पोस्ट को देखते हैं, तो वो भी आपकी एक लिस्ट है, ठीक है ना। इसी तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर, इसी तरह से व्हाट्सएप के ऊपर आप कोई भी अपनी पिक्चर डालते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, हो सकता है वो आपकी लिस्ट में नहीं है, आपने उनका नाम लिखा ही नहीं है, लेकिन आपको उनका नाम लिखना है क्योंकि वो आपकी हर एक पोस्ट को ध्यान से सीरियसली देख रहे हैं, तो आप उनका लिस्ट में अपना नाम डालें, चाहे एज ए कस्टमर, चाहे आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसी तरह से और बहुत सारे इसके अंदर होते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस दी हुई हैं, जिससे कि आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। देखो जो अभी ये जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग इसको सेल करते हैं, हो सकता है कोई 5000 में सेल कर रहा है, कोई हो सकता है 20000 में सेल कर रहा है, हो सकता है कोई लाख रुपए में सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फॉरएवर के अंदर ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। मैं आप सब लोगों को स्ट्रांगली एंडोर्स करूंगा कि आप कंपनी के सिस्टम को पकड़े। सो अभी हम फिर दोबारा से वहीं पर आते हैं कि हमने डुप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले बनाया कि जो लिस्ट बिल्डअप करनी है, तो लिस्ट बिल्डअप करने के लिए हमारे पास एक मेमोरी जॉगर है जो कि हमें नए से नए लोगों को अपनी लिस्ट को 100 से 200 पे, 200 से 1000 पे, 1000 से 5000 पे लोगों पर ले जाने में आपको मदद करेगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग ये लिस्ट को नहीं बनाएंगे तो पता क्या होने वाला है, आपकी डाउनलाइन जिंदगी में कभी बनाने वाली नहीं है, ये चीज याद रखना। अगर आज आप अपनी 100 लोगों की लिस्ट नहीं बनाएंगे, अगर आज आप अपनी लिस्ट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, अगर आप अपनी लिस्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, आप कभी आप कंपनी के आउटलेट से खरीद सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, और उसके अंदर ये सारे बंदों के नाम और चीजें दी हुई हैं
जिनसे आप बना सकते हो। अगर आप लोग नहीं बनाएंगे ना तो आपकी टीम कभी नहीं करने वाली। तो आपने वो चीज को डुप्लीकेट करना है जो जिससे कि आगे हमारा जिसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क हो, ठीक है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्टिव वर्क में एक स्टेप है जिसे हम बोलते हैं लिस्ट को बिल्डअप करना, बढ़िया वाली। अब आते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर, वो क्या है कि इसको हम बोलते हैं शो द प्लान। अब बहुत बार ये देखा गया है कि हम क्या सोचते हैं कि ये मैंने फॉर्म साइन अप कर दिया और मैं फॉरएवर के अंदर बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करूंगा, मैं अपनी अपलाइन को फोन करूंगा, सर एक बंदे से बात हुई है तो क्या आप उसको प्रेजेंटेशन कर दोगे। देखो सबसे पहली बात अगर आपको जो सीखनी है वो है कि जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होना। आप जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, देखो ये लीडर की क्वालिटी होती है। आपने देखा होगा हमारे सिस्टम के अंदर एक उसको हम बोलते हैं लेवल होता है जिसको बोलते हैं GLT, ग्लोबल लीडरशिप टीम। अब जो GLT मेंबर्स हैं वो क्या है, दे आर कॉल्ड रियल लीडर्स, वो है रियल लीडर्स। अगर आप अपने आप को उस पोजीशन में रखते हैं, अगर आप अपने आप को उस तरह का बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि आप भी GLT का पार्ट बने, आज आपने इस कंपनी को स्टार्टअप किया है, तो सबसे पहला काम क्या है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना। सबसे पहले है आपको जल्दी से जल्दी 1-to-1 प्लान सीखना है कि मेरे पास अगर कोई नया बंदा मिल जाए ऑनलाइन, क्योंकि देखो आजकल आपको पता है हम ऑनलाइन फटाफट प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको क्या प्रेजेंट करना है, विद इन 30 मिनट्स उसको क्या बताना है, विद इन 40 मिनट्स की प्रेजेंटेशन में क्या बताना है, अगर आप उसको 10 मिनट के लिए मिलते हो तो उसको 10 मिनट के अंदर क्या बताना है। तो ये है शो प्लान, ये आपको जल्दी से जल्दी सीखना है। और उससे क्या होगा, आप किसी फैमिली में भी उस चीज को दे पाओगे, उसी चीज को डिलीवर कर पाओगे। तो आपको अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है जल्दी से जल्दी। और एक चीज और मैं आपको इसमें बोलना चाहूंगा कि जो भी आप करते हो, जो भी आप प्रेजेंटेशन करते हो, वो बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। मतलब एक सक्सेसफुल पर्सन ने कहा था कि 20% इंफॉर्मेशन होती है और 80% जो है ना वो टेस्टिमनीज दिखती है, मतलब दिखने का बिजनेस है। आपने देखा होगा आप किसी भी वीडियो को ज्यादा गौर से देखते हो बजाय किसी बुक को पढ़ने से। आजकल हमारा सारा फोकस कहाँ पे, अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइव ट्रेनिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं ना, तो यहाँ से जल्दी बंदा सीखता है कंपैरेटिवली जो बुक्स हम पढ़ते हैं। और दूसरा आपका जो सिस्टम है वो इतना ईजी हो कि उसको आप उसको कोई एक हाउसवाइफ भी काम कर सके, मीन्स उसको कोई कम पढ़ा लिखा बंदा भी उस प्रेजेंटेशन को कर सके, मतलब इतना इजी बढ़िया डुप्लीकेबल सिस्टम आपको बनाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं शो द प्लान। देन फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है, देखिए हमारे को अपनी जब हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे को अपना एक जिसे हम बोलते हैं ना, जब हम किसी के पास भी जाते हैं, लेट्स से हम अभी तो चलो कोविड की वजह से अभी फिर भी हमें मौका मिल गया है कि हम लोगों को मिल पा रहे हैं, और मेक श्योर आप अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। वेल जब आप किसी के पास जाते हो तो आपके पास कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है आपके बैग के अंदर। अगर क्योंकि देखो अगर कोई आदमी वॉर पे निकलता है तो वो अपने सारे आर्म्स एंड एमिनेशन लेकर निकलता है, उसी तरह से जब आप अपने बिजनेस करने के लिए निकलते हो तो आपके पास आपके सारे टूल्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे ये कुछ एक आपको आपके सामने जो मैंने लिखे हैं, जैसे गुड हेल्थ, आपके पास हिंदी और इंग्लिश के अंदर होना बहुत जरूरी है, राइट। वो चाहे 5-5 बुक्स आप अपने पास रखें हिंदी में और 5 इंग्लिश के अंदर आप रखें, जो हिंदी पढ़ सकता है उसको हिंदी में दें, जो इंग्लिश पढ़ सकता है उसको इंग्लिश में दें। अब कई बार आपको आज की डेट में ये भी मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे सर आपके पास कोई PDF है, इसका PDF फाइल है। अब आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, आप क्या बोलोगे, अपनी अपलाइन को फोन करोगे सर वो PDF मेरे को भेज देना सर, गुड हेल्थ की PDF। देखो बहुत सिंपल है, सीखना है क्या है, ऑनलाइन जाना है, ID पासवर्ड लॉगिन करना है, फिर वहां पर एक ऑप्शन आती है डाउनलोड्स, डाउनलोड्स के अंदर लिटरेचर है, लिटरेचर में आपको ये गुड हेल्थ हिंदी इंग्लिश तेलुगु उसके अंदर अवेलेबल है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करके अगर आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं उनको आप उनको व्हाट्सएप पे आप उसको मेल के थ्रू उनको भेज सकते हैं। तो ये हमें अपनी तैयारी रखनी है,
जैसे हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। दूसरा, इसी तरह से प्रोडक्ट कैटलॉग। बहुत बार क्या होता है, हमारे हम ऐसे किसी के पास प्रेजेंटेशन पे चले जाते हैं और समटाइम वो बंदा क्या बोलता है कि सर आपके पास कोई कैटलॉग है आपके प्रोडक्ट्स का, तो हमारे पास कोई स्पेयर कैटलॉग नहीं होता। तो कम से कम 5 कैटलॉग आपके पास हिंदी के या 5 इंग्लिश के आपके पास होने चाहिए। अगेन पीडीएफ फाइल आपके पास जरूरी होनी चाहिए। देन मंथली न्यूज लेटर्स। अब देखिये जो मंथली न्यूज लेटर है इसका क्या इम्पैक्ट आता है, इसका पीडीएफ भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है, आईपैड है, स्मार्टफोन है, तो आप इमीडिएटली उसको जूम करके दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। वो कोई टेस्ट, देखो हमारी मंथली न्यूज़लेटर के अंदर क्या आता है, सबसे पहले हमारे सीईओ का एक राइटअप आता है, ठीक है, जिसमें बहुत सुंदर एक मैसेज दिया होता है जो हमें हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। देन हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जैसे ग्रेग मॉन, उनका मैसेज होता है। देन हमारे कंट्री सेल्स हेड हैं, उनकी तरफ से हमारा एक कोई ना कोई मंथली कोई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे हम अपने बिजनेस को और बड़ा और सक्सेसफुल बना सके। प्लस उसके अंदर जो भी नई अचीवमेंट्स हो रही हैं, जो लोग कामयाब हो रहे हैं, हमारा स्टार प्लेयर होता है उसके बारे में बताया जाता है, उसकी लाइफ के बारे में बताया जाता है, लोग उसके साथ अपने आप को कोरिलेट करते हैं। तो ये कुछ चीजें आपकी जो है आपके बैग में होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे डायरी, पेन, बहुत बार होता है हम किसी के पास चले जाते हैं और हमारे पास कोई पेन नहीं होता, हम सामने वाले से पेन मांग रहे हैं, तो कम से कम आपके पास, मैं कहता हूँ एक नहीं दो या तीन पेन आपके पास हमेशा होने चाहिए जब आप बिजनेस के लिए निकलते हैं। इसके अलावा आपके पास A4 साइज के पेपर होने चाहिए, प्लेन पेपर होने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं जिनको बेसिकली बिजनेस जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो लोग हमारे से क्या मांगते हैं, वो लोग हमारे से चाहते हैं कि हम को अपना मार्केटिंग प्लान बताएं। तो जब आप उसको A4 साइज के ऊपर अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दोगे तो वो जो पेपर है वो आप उसको हैंड ओवर कर सकते हो। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, हम अपनी डायरी और पेन के साथ उसी जगह पर अपनी प्रेजेंटेशन कर देते हैं और उसको लेकर अपने साथ घर आ जाते हैं। हम उसको कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं दे पाते जिससे कि वो उसको अपने पास रख सके। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। आपके पास कुछ FBO मीन्स आपके पास अपने हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स होना चाहिए। हो सकता है, देखिए आजकल तो ऑनलाइन बहुत ही इजी है, आप जाओ और लॉगिन करो और वहां पर आप उसकी सारी डिटेल्स भर सकते हैं, लेकिन आपके पास आपका ईमेल आईडी और पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर उस नए बंदे का पैन नहीं है तो आप ऑनलाइन उसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर पैन नहीं है तो आप उसका कम से कम ये एप्लीकेशन जो हमारे पास ये जो कंपनी के पास अवेलेबल हमारे को ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलते हैं, आप ये हार्ड कॉपी उसकी फिलअप कराएं और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाकर आप सबमिट करा सकते हैं। तो कम से कम 5 आपके पास FBO एप्लीकेशन फॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। देन बात करते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेमो के लिए या रिटेल के लिए होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप किसी के पास गए, आपने उसको एलो का डेमो दिया, आपने उसको ब्राइट टू जेल का डेमो दिया, आपने उसका शैम्पू का डेमो दिया और ऐसे MPD का कोई डेमो दिया, अगर वो पर्सन सामने से आपसे ये बोलता है कि सर क्या ये प्रोडक्ट मुझे मिल सकता है, तो क्या होगा, आपके पास होएगा नहीं, तो आप दोगे कहां से। अब इस समय हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज है जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल्स। कंपनी ने इतना बढ़िया टूल बना दिया है ना, ये मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट जो नया लॉन्च किया है, दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट, कि आज की डेट में ये एक असेंशियल है हमारे लिए मास्क लगाना। अगर आपने मास्क लगाया है एक तरह का डेमो हो रहा है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे क्या किया, उसको हैंड सैनिटाइज करवाए और खुद हैंड सैनिटाइज किए, वो क्या बोलेगा कि बहुत बढ़िया यार, ये तो हैंड सैनिटाइजर आपका बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। फिर आप उसके फायदे बताते हैं और वो बोलता है सर ये किट मिल सकती है। तो आपके पास कम से कम 4-5 किट्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल रहेगी तो आप उसको वो किट दे सकते हैं। तो जब भी आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपका फर्स्ट ये जो आपका बैग है, आपके ये जो टूल्स हैं, ये पूरे कंप्लीट होने चाहिए। आप जब भी फील्ड में निकलें तो हमेशा याद रखें कि आपने अपने इन टूल्स को चेक करना है और फिर फील्ड के अंदर जाना है लोगों के पास प्रेजेंटेशन देने के लिए, राइट। अब इससे होता क्या है, जब आपका एक नया FBO या आपका कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर जब वो आपको देखेगा तो क्या होगा, वो भी वही चीज को डुप्लीकेट करेगा। अब ये है राइट डुप्लीकेशन। आप जितना राइट डुप्लीकेट करोगे उतना ही राइट डुप्लीकेशन के अंदर आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, राइट। अब आते हैं सेकंड जगह पे,
हमारे कुछ एजुकेशनल टूल्स हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे हम कुछ चीजों की डिस्कशन हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं, जैसे बुक्स हैं। अब थोड़ा सा बुक्स का ट्रेंड कम है एनीवे, लेकिन फिर भी लोग बहुत सारे हैं जो कि अपना बहुत ज्यादा टाइम बुक्स के अंदर लगाते हैं। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है, क्योंकि देखिए हमारे मेजॉरिटी पर्सनल केयर, स्किन केयर, एलो ड्रिंक्स, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो बेस है वो है एलोवेरा। और दुनिया में सबसे अच्छी बुक अगर कोई लिखी हुई है वो है गुड हेल्थ। जिस बंदे ने गुड हेल्थ को अच्छे से पढ़ लिया वो एलो के एक्सटर्नल और इंटरनल क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके ओरल केयर के अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है ना, उसके नटशेल में क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं ओवरऑल वो उसके सारे समझ जाएगा। तो हमें इन इस तरह के एजुकेशन टूल को अपने लिए बुक्स में पढ़ने के लिए रखना चाहिए और उसको रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। ये मत समझे कि आपने एक बार बुक पढ़ लिया तो आपको सब कुछ आ गया। कई बार हम कई लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलता है अरे ये तो मेरे ध्यान में नहीं है, क्यों, क्योंकि हम उसको बार बार पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। इसी तरह से फाइन लाइंस है जिसके अंदर बताया कि हमें किन बाउंड्रीज के अंदर अपने बिजनेस को करना है, कौन सी चीजों को करना है नहीं करना है, वो उसमें बहुत सुंदर ढंग से समझाई हुई है। इसके अलावा देखिए अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ, कोई मतलब जैसे रिच डैड पुअर डैड है, इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे हम नेटवर्किंग को लेकर मीन्स के नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट लोगों को क्लियर हो जाता है, टाइम लेवरेज का क्लियर हो जाता है। आप ऐसे और बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं जो कि एज ए एजुकेशनल टूल में आती हैं। लेकिन मैं इसमें अब क्योंकि देखिए आजकल हर बंदा क्या है, आजकल हर बंदा वीडियोस ज्यादा देखता है। मेरे हिसाब से इस समय 100 में से 80 से 90 लोग ऐसे हैं जो YouTube के अंदर जाते ही जाते हैं और उसको वॉच करते करते हैं। अगर आपको WhatsApp पे कोई मैसेज लिखा हुआ आ गया आप उसको नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर कोई वीडियो आ गई आप उसको क्लिक करोगे और उसको देखना शुरू करोगे। तो हमारे पास कंपनी ने एजुकेशन के लिए मार्वलस इंफॉर्मेशन बना रखी है, जैसे Forever Living India। अब देखो Forever Living Products India जो है, आप सबसे पहले तो खुद उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, ताकि जैसे ही कोई नई हमारी कोई भी वीडियो आती है, अपलोड होती है, तो आपको तुरंत मैसेज पॉपअप हो जाए। आपने सबसे पहले खुद उसको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में आपकी टीम में जो बंदा फॉर्म साइन करेगा उसको तुरंत सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कराना है, और सब्सक्राइब कराने के बाद में उसका बेल आइकन उसको ऑन करवाना है ताकि उसको भी हर न्यू वीडियो, क्योंकि आपको पता है ना हमारी बहुत सारी एवरीडे नई एजुकेशनल प्रोडक्ट और बिजनेस वीडियोस आ रही हैं, तो वो सीखने का मौका है जो कि उसको ऑनलाइन मिल सकता है Forever Living Products India इसके ऊपर जाकर। इसके अलावा हमारे पास हमारी एक और है जिसको हम बोलते हैं Forever Living Products International। तो हमारी इंटरनेशनल में क्या है, जैसे US होम ऑफिस है, तो होम ऑफिस से बहुत सारी वीडियोस रिलीज होती हैं, नए प्रोडक्ट्स की रिलीज होती हैं, ओल्ड प्रोडक्ट्स की होती हैं, कई नए लाइव सेशंस हो रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर हो रहे हैं, जिसमें हॉली स्ट्राउट जैसे हैं वो हमारे को मतलब डायरेक्ट लाइव ट्रेनिंग्स दे रही हैं। तो हमारे पास मौका है, हम अगेन वही चीज सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। इसी तरह से Forever Living Products UK, ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन, शॉर्ट वीडियोस। अब कई बार कोई बंदा टूथपेस्ट का, सोप का, शैम्पू का एक मिनट का कोई वीडियो शेयर करना चाहता है, तो उसके वहां पर आपको एक एक मिनट के वीडियोस भी मिलते हैं, बहुत बढ़िया, और भी बहुत सारे एजुकेशनल चीजें आपको वहां पर मिलती हैं। तो इन तीन चैनल्स को मैं स्ट्रांगली आपको ये बोलूंगा कि आप इन तीनों यूट्यूब चैनल्स को सबसे पहले खुद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दूसरा आप जितने भी आपके साथ FBO रिक्रूट होते हैं उन सबको ये चीज आप जरूर सब्सक्राइब कराएं ताकि वो लोग भी अपडेट रहे इसके साथ। देन अगर मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ, देखो मैं आई पर्सनली लव संदीप महेश्वरी, बिकॉज ये एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि बिना पैसे लिए लोगों को ट्रेन करता है। जो मतलब वो कहते हैं ना एजुकेशन के लिए, जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि निखिल सर आप ना ट्रेनिंग की फीस रख दिया करो, तो मैंने जिससे सीखा है वो बोलता है कि पैसा नहीं चार्ज करना कभी भी किसी से। तो इससे और ऐसे भी और भी बहुत सारे हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जिनसे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। वैसे मेरे फादर बोलते हैं आपको जहां से भी अच्छा सीखने को मिले वो ले लो, और जो आपको लगे कि अच्छा नहीं उसको छोड़ दो। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी लीडर से
दुनिया में, ठीक है ना, जहां से हमें कुछ अपने आप को सेल्फ अपनी डेवलपमेंट करने के लिए कुछ भी अच्छा मिले उसको पकड़ लो और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो। तो ये आता है डुप्लीकेशन के अंदर, कुछ एक हमारा एजुकेशनल टूल जो कि हमें 100% सबसे पहले खुद को फॉलो करना है और फिर आगे डुप्लीकेट कराना है, ये एक राइट वे सिस्टम है। देन आ जाता है आगे, जैसे हम बोलते हैं हमारी डेली फेसबुक लाइव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ट्रेनिंग्स का पार्ट आपको पता ही है, दिस इज आज जो अभी हम अभी कर रहे हैं ये क्या है हमारी, ये लाइव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ठीक है। आज से पहले अगर मैं बात करूं ना ट्रेनिंग्स के लिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहले लेके जाना खुद जाना पड़ता था, फिर उसका बस का किराया लगाना पड़ता था, फिर उसके बाद में अगर वहां रुकना हो तो होटल का खर्चा होता था, खाने पीने का खर्चा होता था। अब तो भाई घर में बैठना है, चाय का कप लो, रोटी खाओ और लाइव वीडियो लाइव ट्रेनिंग अटेंड करो, और वो भी कैसी ट्रेनिंग, जैसे VOPP, आप अपनी रेगुलर किसी को भी अपने नए प्रोस्पेक्ट को लाओ, उसको VOPP अटेंड कराओ। अब आपको किसी होटल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो और जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो भी घर में बैठा है। तो इसके अलावा जैसे न्यू FBO ट्रेनिंग्स हैं जो हमारे साथ रिक्रूट हो जाते हैं, वो आगे फर्दर लर्न करना चाहते हैं, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, वो हमारी कंपनी ट्रेनिंग्स है। मार्केटिंग प्लान को समझना है तो उसकी लाइव सेशन होते हैं। इसी तरह से मोटिवेशनल सेशन, जैसे दिस इज ऑल्सो मोटिवेशनल सेशन जिसमें हम आपको राइट डुप्लीकेशन के काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं जिसके अंदर हमारे कंट्री सेल्स हेड जो है, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है मिस्टर हरीश सिंगला हो गए, इसी तरह से प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के अंदर जैसे मिस सोनिया शर्मा है, और ये लोग हमें स्पेसिफिक और एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स को लेकर ये अपना पर्सनल इंटरेस्ट के साथ उन चीजों को हमें बता रहे हैं। और अच्छी चीज क्या है, अगर आपने इन ट्रेनिंग्स को ले लिया तो आपको कहीं भी राइट और लेफ्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। आई एम रियली हैप्पी जो अभी लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था, मिस सोनिया शर्मा ने जो बी हाइव के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया था, आई होप आप में से, मेरे हिसाब से 99% लोगों को वो इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी जो आपको उस सेशन के अंदर मिली है। तो ऐसे सेशंस को कभी भी आपने छोड़ना नहीं है। बाकी पर्सनल ट्रेनिंग्स हर मैनेजर अपने अपने लेवल पे हर रोज ट्रेनिंग्स कर रहा है, एवरी डे ट्रेनिंग्स कर रहा है, कोई शाम को 5 बजे कर रहा है, कोई 7 बजे कर रहा है, कोई पर्सनल ग्रूमिंग की कर रहा है, कोई प्रोडक्ट एजुकेशन की कर रहा है, तो हम उन सारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, राइट। अब जैसे ये आपने देखा है कि हमारा ये लाइव फेसबुक का जैसे आता है ये स्केड्यूल है जिसके अंदर मार्केटिंग प्लान, मोटिवेशनल, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ठीक है, मोटिवेशनल मार्केटिंग प्लान VOPP, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो हमारी ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं, जैसे कंट्री सेल्स मैनेजर हमारे हैं तो ये हमारे को जैसे फॉरएवर टू ड्राइव मीन्स कार इंसेंटिव प्लान अचीव करके हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, तो इनकी हमारी ऑनलाइन ये सारी वीडियोज अवेलेबल है। पहले हमने खुद सीखना है और यही चीज को आगे डुप्लीकेट करना है, राइट सिस्टम, यू नो, अगर आपको कामयाब होना है देन यू हैव टू कम इनटू द सिस्टम। तो ये हमारा एक डुप्लीकेशन का एक पार्ट है। अब इसके अलावा देखो, अब कुछ चीजें ना जो बेसिक होती हैं, जो हमें बहुत जरूरी हैं और वो हमें हर बंदे को समझानी जरूरी है, जिसको भी आप फॉरएवर का बिजनेस स्टार्टअप कराते हैं उसको पहले ये चीज बताएं कि सबसे पहले पैन, ECS, वो मींस आपके पास आपका, ताकि फंड आपके अकाउंट में जाए, पैन कार्ड होगा तो आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स का काम कर लेंगे। इसके अलावा ईमेल आईडी होना चाहिए, अगर आपका ईमेल आईडी है तो आप एलो स्टोर पे जाकर फटाफट अपना बनाए और आपके तुरंत आपके आपके ईमेल आईडी पे आपको OTPs आ जाते हैं, आपके मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि कई बार क्या होता है कि हम मोबाइल, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट आई हैव टू ऐड नेक्स्ट टाइम करेंगे, कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी करेक्ट रखना है जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप रेगुलर आता है, जिसके ऊपर ताकि कंपनी आपको रेगुलर अगर कोई मैसेज भेजना चाहे तो उस पर भेज सकती है। और इसी तरह से आप अपने विजिटिंग कार्ड जरूर बनाएं जो कि प्रोफेशनल लगता है, जब आप किसी को मिलते हैं तो वो पूछता है कि ये सर आप क्या करते हैं, तो मैं अपना विजिटिंग कार्ड उसको देता हूँ, जब मैं उसको अपना विजिटिंग कार्ड देता हूँ तो उसको पता लगता है कि ये एक प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ ये बेसिक चीजें हैं, पैन, ECS और ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर जिसपे आपका व्हाट्सएप रहता है, ठीक है ना, वो आपने अपडेट करके रखना है और अपने विजिटिंग कार्ड्स बना के रखने हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बात आती है कुछ चीजें करने वाली हैं और कुछ चीजें नहीं करने वाली, ये हमारी डुप्लीकेशन का एक हिस्सा है, ठीक है। अब क्योंकि देखो अगर सही चीज को डुप्लीकेट करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, गलत चीज को डुप्लीकेट करोगे तो टेम्परेरी सक्सेस तो मिल जाएगी
लेकिन क्या होगा, लॉन्ग टर्म आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हमें सीखना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे आता है कंप्लायंस एंड फॉरएवर, जैसे कंप्लायंस करना है कंपनी की पॉलिसीज को। देखो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन किया था 2004 में, तो मैंने सबसे पहले कंपनी की पॉलिसी बुक को लिया था और उसको अच्छे से रीड आउट किया था, क्योंकि कंपनी पॉलिसी बुक में क्या लिखा है, मेरे राइट्स क्या हैं और मेरी ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है ना, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या प्रॉफिट हो सकता है, उसके लिए क्या करना होता है। तो ये हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को लेकर हमें मतलब सही इंफॉर्मेशन पास ऑन करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर गलत चीजों को काम करते हैं। मींस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जलंधर लिख दिया। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जलंधर निखिल का स्टोर थोड़ी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिख सकती है, निखिल शारदा यूज नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, हमारे आप कस्टमर केयर में आप उनको मेल डालें और ईमेल करके वो आपको राइट गाइडलाइंस देते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अपना बिजनेस बना सकते हैं। सेलिंग इन स्टोर्स, देखिए मैं एक चीज जानता हूं भैया, शॉर्ट टर्म काम मत करना, लॉन्ग टर्म काम करना है। अगर हमें दुकानों पर ही माल बेचना है तो ये काम तो कंपनी भी कर सकती थी, तो आपकी और मेरी जरूरत तो थी नहीं, समझ रहे हैं। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर्स की शेल्फ पे बेचने के लिए नहीं है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए, अगर मेरा ब्यूटी पार्लर है तो मैं अपना ब्यूटी सैलून चला रही हूँ, तो मैं कोई स्क्रब यूज कर रही हूँ, मैं कोई फेस पैक यूज कर रही हूँ, कोई मैं इन्फिनाइट यूज कर रही हूँ, देन आई कैन डिस्प्ले इट एंड आई कैन यूज इट। बट वही बात आ गई कि हमें जरूर पता होना चाहिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके अलावा इनकम क्लेम्स, बहुत सारे लोग फेक इनकम क्लेम्स करते हैं और गलत चीजें डाल देते हैं, ठीक है ना। आप जो है वो दिखाएं, आपको इससे ज्यादा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो जिसने फॉरएवर को ज्वाइन करना है ना, उसने एक ऐसे बंदे के साथ भी ज्वाइन कर लेना है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और जिसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है ना, ठीक है ना। और अगर वो अपनी मतलब गलत इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि मैं फॉरएवर में इतना चेक आ गया या ये हो गया, तो वो उसके साथ भी जुड़ने वाला नहीं है, समझ रहे हो। हमें एक अपनी इनकम क्लेम्स को सही रखना है। इसके अलावा प्रोडक्ट क्लेम्स, हमें किसी भी तरह की बीमारियों को लेकर, देखो आप पहली बात, क्या आप डॉक्टर हो? अब आपका जवाब होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डॉक्टर नहीं है, हम ट्रीट नहीं करते, हम क्योर नहीं करते, हम डायग्नोज नहीं करते। बहुत बारी कई लोग बोलते हैं सर एक पेशेंट है, अरे भाई पेशेंट नहीं है, ये चीज को समझो। हमने एक चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे प्रोडक्ट्स हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब मैं मार्केट का ऑरेंज जूस पी लूं या एलोवेरा जूस, एक ही बात है, राइट। इसके सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स बताओ। आप ना मिस सोनिया शर्मा का सेशन दोबारा से देखना, किस चीज का, जो उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप देखोगे आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट क्लेम्स है ये रॉन्ग है, समझ रहे ना। उसको प्रेजेंट करने का ढंग है वो आपको सीखना है, सोशल मीडिया के ऊपर कैसे काम करना है। उसके अलावा क्रिएटिंग योर ओन मटेरियल, भाई देखो मेरे हिसाब से, बाकी तो देखो हर बंदा अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है ना। किसी को लगता है कि मैंने ये एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया है, ये बहुत कामयाब है, कोई बोलता है ये मेरा कामयाब है। देखो आप अपना कोई प्लान मत क्रिएट करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। कंपनी का एक फुल प्रूफ प्लान है, एक उसी को डुप्लीकेट करो, उसी का लिटरेचर पकड़ो, उसी के सिस्टम को आगे फॉरवर्ड करो। मैं कहता हूं आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और जो आप अपने मटेरियल बनाओगे, किसी भी तरह का मटेरियल बनाओगे, उसमें कुछ भी आप ऐड करोगे, उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होगे, कंपनी जिम्मेवार नहीं होती, समझ रहे हैं। तो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। अब बात आती है, देखो बेसिकली क्या है, अगर आप अपलाइन है तो क्या होता है, बेसिक वही है कि जो देख लाइक इट्स अ मंकी सी मंकी डू बिजनेस, मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो एक मंकी है वो दूसरे मंकी की तरफ देखता है, ये क्या कर रहा है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो भी ऐसे ऐसे करता है। तो वही चीज है, आपको सही चीजों को करना है ताकि वो चीज आप डुप्लीकेट कर पाओ जो बिल्कुल सही है। जो अभी हमने बातें अभी जो डिस्कस की हैं लास्ट स्लाइड के अंदर, अगर आप उन सब चीजों को आप खुद करोगे तो क्या होगा, आपकी डाउनलाइन भी उन्हीं चीजों को फॉलो करेगी। लेकिन अगर
आप खुद ही उन रूल्स को तोड़ोगे, खुद ही गलत चीजों को प्रमोट करोगे, तो क्या होगा, वो डुप्लीकेशन भी आगे सेम होने वाली है, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। और आपको एक एग्जाम्पल बनकर लीड करना है। देखो हमारे हमारे लाइफ में अगर आप देखेंगे, सबसे पहली एग्जाम्पल क्या होती है, जिसको जिसको हम देखकर हम ये सोचते हैं मुझे भी ऐसा बनना है, यू नो, तो वो क्या होता है कि घर के अंदर एक फादर होता है, ठीक है ना। तो फादर एक एग्जाम्पल अपनी सेट करता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। अगर उसका अगर अगर किसी घर के अंदर फादर एक गुड एग्जाम्पल नहीं होगा, तो बच्चे भी उस वो गुड एग्जाम्पल नहीं बन पाएंगे। तो हमें लीड करना है बाय एग्जाम्पल। अगर मैं अपनी बात करूं, 2006 में 2004 में जुलाई में मैंने शुरू किया था, और 2005 का जो मेरा ईयर था उसमें मैंने मिलेनर्स क्लब कंप्लीट कर लिया था, और 2006 में ये मेरी फर्स्ट रिकॉग्निशन हुई थी एज ए मिलेनर्स क्लब। जो मिलेनर्स क्लब होता है, जो बंदा 10 लाख साल का क्रॉस कर जाता है, तो 2006 में फॉरएवर से मेरे को 10 लाख प्लस आना शुरू हो गया था। मीन्स राइट एग्जाम्पल सेट करो आप अपनी टीम के लिए, ठीक है ना। हमें मौका मिला इंटरनेशनल ट्रिप्स, आप अगर करोगे तो आपकी टीम्स भी आपके साथ क्वालिफाई करेंगी, ठीक है ना, वो भी आपके साथ जाएंगी। अब आप ये तो देख ही सकते हैं कि अगर आपको ऐसा रिवॉर्ड और अवार्ड मिले, मैं कहता हूं जिंदगी में इससे बड़ा रिवॉर्ड और अवार्ड है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये रेक्स के ऑफिस में मैं रेक्स की चेयर पे बैठा हूं। आप जिंदगी में किसी भी कंपनी के अंदर कितना ही काम क्यों ना कर लो, कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर लो, समझ रहे हो, लेकिन आपको इस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ऐसी एग्जांपल्स सेट करो आप, जिससे कि आपकी डाउनलाइंस जब आपकी ये फोटोग्राफ्स देखते हैं, जब वो आपकी इन अचीवमेंट्स को देखते हैं, तो उनको भी ये करे कि यस, मेरे को भी ऐसा बनना है, मेरे को भी ये अचीव करना है। अब बात आती है डाउनलाइन। अगर हम डाउनलाइन है तो हमें क्या करना है, 100% सबमिशन। 100% सबमिशन का मतलब ये होता है अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें अपना हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है 100% किस चीज को, जो हमें ऊपर से मिलता है, मींस हमारी सक्सेस लाइन से मिलता है, जो हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से मिल रहा है, उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। हाँ देखो, मैं फिर बोलता हूं, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो या आप कुछ चीज आपके दिमाग में इन्वेंट हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी के साथ डायरेक्ट डिस्कस करना है, यू नो, दे विल गाइड यू द राइट वे। आप अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस कर सकते, जो आपकी सक्सेसफुल अपलाइन है, वो आपको इस चीज के लिए गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए 100% सबमिशन और इंप्लीमेंट करना है 100%, जो आपको मिल गया उसको 100% इंप्लीमेंट करना। अब देखिए, रेक्स ने 1978 में एक विजन के साथ एक काम को शुरू किया, जिसके अंदर उनका गोल क्या था कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना और उनको एक अच्छा ऐसा बिजनेस देना जिससे कि वो बहुत वेल्थ क्रिएट कर सके और वो अपने वो सारे सपने पूरे कर सके जो वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रेक्स ने एक सिस्टम बिल्ड किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि एक जैसे हमें बहुत सारा राइट मिला है, जैसे करोड़ों रुपया कमाना है, अरबों रुपया कमाना है, जैसे आपको पता ही है हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि मिलेनर्स क्लब के अंदर हैं, तो कंपनी कहती है आप उस हर चीज को अचीव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको वेरी सिंपल एक 4CC का सिस्टम है जो कि हमें समझाया जाता है कि हमें 4CC का सिस्टम सीखना है। मैं आपको एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, जिस दिन मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन किया था ना, तो मेरी अपलाइन ने मुझे ये चीज को हाइड करने की कोशिश करी थी, तो मैंने उनसे पॉलिसी बुक ले लिया, मैंने पॉलिसी बुक लिया और पढ़ा, और मैंने कहा बस इतना सा ही काम करना है। तो दैट मींस कि मेरे को पता लग गया कि ये बस ये काम करना है और यही सिखाना है। एग्जैक्टली क्या है ये 4CC का काम, 1CC का सेल्फ यूज। देखो हो सकता है आज हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं 1CC को यूज कर पाऊं, ठीक है ना, लेकिन ये हो सकता है कि मैं क्या कर सकता हूं, अपना जितना प्रोडक्ट यूज कर सकूं उतना अपने पर्सनल यूज के लिए ट्राई करना है, और कम से कम 1CC से लेकर 2CC का हमने अपने एक रिटेल बेस बनाना है। देखो एवरेज अगर आप 20 कस्टमर्स का एक बेस बना लो ना, 20 कस्टमर्स का एक बेस, देखो अगर एक दुकान पे ग्राहक ही नहीं है तो उस दुकान का क्या फायदा,
तो हमें ग्राहक भी तो अपना रखना है ना, अपने कस्टमर बेस जिसको रिटेलिंग कह देते हैं, शेयरिंग कह देते हैं, कुछ भी हम उसको यूज कर सकते हैं, तो हमें वो कम से कम अपना बनाकर चलना है। और दो सीसी के साथ एक नए बंदे को बिजनेस के अंदर लेकर आना है, इसको बोलते हैं फ्रेश ब्लड। जैसे अगर हमारी धमनियों में एक अच्छा खून भी होता है, एक गलत जो खराब होता है, तो वो दोनों तरफ से चलता है। अगर फ्रेश ब्लड आना बंद हो जाए तो क्या होगा, हम कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये जो नया बंदा हमारे बिजनेस में आता है और 2 सीसी का बिजनेस करता है, ये हमारा फ्रेश ब्लड है। और ये जो 4 सीसी है, ये हमारे एक बॉडी की एक्टिविटी है, जिससे क्या होगा कि आप अपने वो सारे ड्रीम्स और गोल्स पूरे कर लोगे। कैसे, मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं। देखो, अगर मैंने 4 सीसी का बिजनेस सीख लिया, क्या कि मैं ये पर्सनल यूज करना है, 2 सीसी का कस्टमर बेस बनाना है, 2 सीसी के साथ एक नए बंदे को बिजनेस में लाना है, ये मैंने सीख लिया। अब इसी चीज को मैंने अपने 3 लोगों को अपने सिस्टम में सिखा दिया, तो क्या होने वाला है, मैं सुपरवाइजर बन जाता हूं। एक सुपरवाइजर एक अच्छी हेल्दी इनकम जनरेट कर लेता है। जो लोग आज फुल टाइम नहीं कमा पाते, वो एक सुपरवाइजर बना सकता है। देन बात आती है कि अगर यही चीज को देखो, बिना काम किए दुनिया की कोई कंपनी पैसा देने वाली नहीं है, लेकिन अब बात आती है, अगर आप 10 लोगों को यही सिस्टम सिखा देते हो 4 सीसी करने का, तो आप इस कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर हो जाते हो, और आप उन 10 लोगों को ट्रेन कर रहे हो फर्दर आगे काम करने के लिए। और एक असिस्टेंट मैनेजर मेरे हिसाब से एक किसी भी बैंक के ब्रांच मैनेजर से ज्यादा पैसा बना लेता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर आप आगे से आगे आगे और 5 लोगों को यही सिस्टम, मींस 10 के बजाय अब 15 लोग आप सिस्टम में ले आते हैं, जिनको 4 सीसी सिखाते हैं, तो आप मैनेजर बन जाते हैं। और एज ए मैनेजर आप एक बहुत ही हेल्दी इनकम, जिसको मैं कह सकता हूँ 80,000 से 1,00,000 रुपया भी हो सकता है, इट कुड बी 2 लाख, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे मैनेजर हैं जो 2-2 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट 4 सीसी। आप देखिए आगे क्या होता है, अगर आप 38 FBOs, अगर आपकी टीम में 38 FBOs यही 4 सीसी का काम सीख लेते हैं, तो आप कार प्लान भी कर सकते हैं। कार प्लान का मतलब जिसमें आपको हर महीने एक्स्ट्रा आपकी मंथली इनकम के अलावा एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है, वो 26,000 भी हो सकता है, वो 52,000 भी हो सकता है, जैसे ये लेवल 3 है, तो आप कुछ भी क्वालिफाई कर सकते हैं किससे, 4 सीसी के बिजनेस से। देन आपको मौका मिलता है क्या, अगर आप 53 FBOs अपनी टीम के अंदर, देखो 50 लोगों की टीम है और 4 सीसी का बिजनेस अगर सिखा देते हैं, आप अपनी ग्लोबल रैलीज को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बेटी फादर, ठीक है ना, ये सब लोग ऐसे, एक ऐसे फैमिली कंपनी हमें इंसेंटिव भी ऑफर करती है। तो दिस इज अ राइट डुप्लीकेशन, 4 सीसी करो और 4 सीसी सिखाओ। नाउ आप में से कितने लोग हैं जो 4 सीसी करने के लिए रेडी हैं, कितने लोग 4 सीसी करने के लिए रेडी हैं? आई नो आप में से सबका जवाब मुझे मिल रहा है, आप नीचे लिख रहे हैं कमेंट्स के अंदर। देखो, रेक्स ने कहा है कि आपका एक लिटिल डिसीजन ऐसा जो कि आपकी जिंदगी को फॉरएवर चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को फॉरएवर चेंज कर देगा। देखो, काम बहुत आसान है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना आपके ऊपर है, उसको इजी बनाना ये भी आपके ऊपर है, ठीक है। अगर राइट सिस्टम डुप्लीकेट करते जाओगे, तो आने वाले टाइम में ये जो रिंग आप देख रहे हैं, देखो ये रिंग नहीं मुझे चाहिए, आई नो ये रिंग नहीं चाहिए, रिंग चाहिए ये वाली, इसको हम बोलते हैं डायमंड रिंग, ठीक है। आप में से जितने भी लोग डायमंड बनने वाले हैं, आप देखें, आप इसको अपना ड्रीम बुक में डालें कि मेरे को डायमंड मैनेजर बनना है। डोंट थिंक अबाउट अ मैनेजर, थिंक अबाउट अ डायमंड मैनेजर। और उसको बनने के लिए देखो, डायमंड मैनेजर बनना मींस एक राइट डुप्लीकेशन का होना जरूरी है, मींस उसको मुझे भी डुप्लीकेट करना है और आगे लोगों को डुप्लीकेट कराना भी है। तो जितनी जल्दी आप राइट डुप्लीकेशन करेंगे सिस्टम की, उतनी ही जल्दी चांसेस हैं आपके जल्दी से जल्दी डायमंड मैनेजर बनने के। और मैं आप सब लोगों को बधाइयां देता हूं, आप सब लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूं कि आने वाले समय में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो डायमंड मैनेजर बनने हैं, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बनने वाले हैं। और उनमें से बहुत सारे लोग जो अभी इस समय ये लाइव सेशन देख रहे हैं, एक दिन आप लोग बताएंगे कि हाँ ये सेशन अटेंड किया था और उस दिन मैंने एक गोल बना लिया था कि मुझे डायमंड मैनेजर बनना है। तो इसी उसके साथ
मैं आप सब लोगों से ये प्रेजेंटेशन मैं स्टॉप करता हूँ, और आई होप सो कि ये जो हमारा पार्ट था हम डुप्लीकेशन का, इसको आपने समझा होगा अच्छे से। देखिए, जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको एक आदमी चाहिए जो आपका आपको रास्ता गाइड करे, सही रास्ता गाइड करे। और आप लकी हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और उसके अंदर जो हमारे मेंटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे लीडर्स हैं, और इवन जैसे हमारे इंडिया को जो हेड कर रहे हैं मिस्टर हरीश सिंगला, वो हमारी हमारी उंगली को पकड़ के हमें सही रास्ते पे लेके जाने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमको सही रास्ता अख्तियार करना है। और आप देखना, आने वाली जिंदगी, आने वाले इन 5 सालों के अंदर, दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर फॉरएवर के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम होगा। तो इसी के साथ मैं ये ट्रेनिंग समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।